क्या लग रहा है आपको, इस बार की जो राशि घोषित हुई है काम धरातल पर कुछ दिखेगा? कार्य को तो मार्च से हम लोग शुरू करवाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में जैसे। पर वो कागजे में क्यों रह जाता है, जमीन पर क्यों नहीं आता है? सीतामढ़ी जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम को मिला विकास का स्वागत। पुनौरा धाम के विकास के लिए कैबिनेट से 72,47,00,000 रुपए का पैकेज पास हुआ। जी हाँ, इसको लेकर के सीतामढ़ी नगर विधायक और पुनर्धाम महंत ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस वीडियो में। अब सीतामढ़िया के नाम में 4 चांद लगेंगे और पूरे भारत में सीतामढ़िया के नाम का डंका भी पीटा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कुछ कहा कि चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं, चाहे आरओबी को लेकर के हो या फिर सीतामढ़ी के विकास को लेकर के हो। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि राशि स्वीकृति की और जगत जननी माँ जानकी की कृपा है कि संयोग ऐसा मिला कि इस जगह पर हम आए थे चुनाव के समय में, तो बाबा से मुलाकात हुई और बाबा ने कहा कि इस मंदिर के विकास के बारे में कोई नहीं सोचता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से। तो हमने तो चुनाव में आरओबी का मात्र प्रतिज्ञा किया था, लेकिन जब बाबा के पास आए तो बाबा कहे कि बउआ अहू मंदिर के विकास तनका होए के चाहिए, जब तोरा ऐसा नौजवान बन रहा है भाजपा के विधायक। तब हम उस समय चुनाव में कमिटमेंट किए कि प्रथम तो मेरा आरओबी, दूसरा पुनौरा का मंदिर का विकास पर्यटन का, और तीसरा शहर का स्ट्रॉन्ग वाटर योजना। 3 मेरा चुनावी वायदा था जिसमें हमने कहा था कि आरओबी अगर नहीं बना तो हम दोबारा नामांकन ही नहीं करेंगे, और ये 2 योजना भी हम अनवरत प्रयास करके धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। जब से यहाँ से जीत के गए, सदन से लेकर और ब्यूरोक्रेट्स के कार्यालय तक तमाम कवायदों को पूरा करते 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 आज ये परिस्थिति बनी। पिछले सत्र में भी हमने पर्यटन मंत्री के जो दायित्व में थे सदन में, उसमें हमने लंबी बहस की थी, और सबसे पहले तो हमने प्रयास किया था जीतने के बाद, जब रेल के काम से दिल्ली जाते थे तो उस समय के तत्कालीन पर्यटन मंत्री से भी हमने चर्चा किया था। तो लगातार चर्चा के बाद जो सफलता मिली है, ये सफलता, बीच में मेरा दुर्घटना भी हो गया, 1 साल बेड में पड़े रहे, उसके बाद भी जगदम्बा सीता हमारे वचनों को पूरा करने की कृपा कर रही है, ये साक्षात जगदम्बा सीता का कृपा हम मानते हैं, और तमाम सीतामढ़ी वासियों का आशीर्वाद कि जो वायदे चुनाव में हमने किए वो प्रकृति, जगदम्बा माता, सीतामढ़ी की जनता, सभी लोगों के आशीर्वाद से धरातल पर फलीभूत हुए देखकर प्रसन्न हूँ। और उम्मीद करता हूँ मैं कि लगातार प्रयास करके आदमी किसी भी काम को कर सकता है, ये इससे शिक्षा मिली। और राम भद्राचार्य जी भी यहाँ आए थे प्रवचन में सीता नवमी के समय, और जब उन्होंने मंच पे हमें पहनाया कमल का माला तो कहे मिथिलेश मैं तुम्हें ये बहुत अपने पसंद का माला दे रहा हूँ, उसी समय लग रहा था उनका आशीर्वाद मिला राम भद्राचार्य जी का भी, और उसी समय हमको लगा कि हमारा ये संकल्प संत ऋषि महंत जी माता जानकी जगदम्बा की कृपा से ये पूरा होगा। और ऐसा सुअवसर मिला कि सावन का बड़ा महिमा है शास्त्रों में, और इस सावन महीना का भी मलमास का भी नहीं, शुद्ध सावन का महीना है, उस महीने में इसकी स्वीकृति मिली। और हमने लगातार प्रधान सचिव अभय जी से मिले, अभय जी यहाँ आए भी पुनरीक्षण करके गए, लेकिन हम अभय जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि वैसा पदाधिकारी होना चाहिए कि कोई किसी क्षेत्र का विधायक किसी विषय को रखता है तो तुरंत उसका त्वरित कार्रवाई करे, और बाकी तो सब परमात्मा की कृपा है, सीताराम जी की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है, और सीतामढ़ी के आम जन का आशीर्वाद। शुरू किया जाए कार्य को तो मार्च से हम लोग शुरू करवाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में जैसे हो। कब तक होने की पूर्ण होने की संभावना आपको लग रही है इस कार्य को? कार्य पूर्ण होने की संभावना जो एस्टिमेट है और जो योजना है उसके हिसाब से मौसम की प्रतिकूलता और अन्य बाधाएं, पदाधिकारियों का ट्रांसफर, ये सब लेकर के 1.5 से 2 साल के अंदर में हो जाना चाहिए। से घोषणा करके गए थे जिसकी राशि भी स्वीकृत हुई थी और धरातल पर काम हुआ नहीं है, क्या लग रहा है आपको, इस बार की जो राशि घोषित हुई है काम धरातल पर कुछ दिखेगा, होगा या नहीं होगा, ये चुनावी जुमला है?
ये मेरी प्रतिज्ञा है, चुनावी जुमला तो आरोपी भी था और आरोपी भी 13 वर्ष से लंबित थे, लेकिन मैं जब प्रण लिया, जब कोई सामान्य कार्यकर्ता प्रण लेता है तो उसके लिए परिश्रम करता है, अथक प्रयास करता है, मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है तो कोई कारण नहीं बनता है सफलता नहीं मिलने का। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमने चुनाव में वादा किया था। अगर राज्य सरकार नहीं करेगी तो केंद्र में मेरी सरकार है, मैं केंद्र से भी करवाने का क्षमता रखता हूं, और मैंने काम तो सरकार को करना है, केंद्र की पैसा हो राज्य की पैसा हो। आरोपी बना तो कोई रेल मंत्री जी अपने घर के पैसे से नहीं बना है। आज पुनौरा पर्यटन का काम हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी का पैसा नहीं है, ये तो जनता का पैसा है, आपका पैसा है, हमारा पैसा है, आम जन का पैसा है, तो काम तो सरकार ही करती है, चुनावी जुमला जो हो। लेकिन हमने जो चुनाव में वादा किया उस वादा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और ये दूसरे का वादा नहीं है। दूसरे का वादा लगातार 13 वर्षों से आरोपी का होता था, बना पिलर बन के खड़ा होकर रह गया। ये मिथिलेश का वादा है, एक सामान्य कार्यकर्ता का वादा है, और साक्षात जगत जननी जगदम्बा का कृपा है, और मेरा नाम मिथिलेश भी संतों का ही रखा हुआ है, तो ये वादा फेल होने वाला नहीं है। जब आरोपी जैसा कठिन कार्य हो गया 13 वर्षों से लंबित, तो ये सीता पर्यटन भी धरातल पर उतार कर ही हम दम लेने वाले। जो वो योजना थे या यहाँ पर जो चारों तरफ जो जहाँ तक देख रहे हैं, एक तो पहला तो है जो यहाँ जमीने नहीं है, दूसरा जो भी जमीन है उसमें जो कंस्ट्रक्शन यहाँ तो वहाँ तक बना रखे है, जिसको जो इधर से उधर फलाना ठिकाना बना करके वो विकास में लाए। तीसरा है कि जब योजना वहाँ से तो पारित होता है तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, पर वो कागजे में क्यों रह जाता है, जमीन पर क्यों नहीं आता है? और जमीन पर भी आता है तो जो बनता है तो ठीके पर जो दूसरे तीसरे को दिया जाता है, जिनका है मंदिर का तो मंदिर को सपोर्ट तो नहीं करते हैं। तीसरा बात है कि जो कितना किराया राशि और क्या विकास बनना है उसका कोई बोर्ड कहीं पर टंगा हुआ है जो कोई देख ले? आने के लिए जो भी माता जी का गर्भ गोद है उसको बनावे, जन्म कुंड को बनावे, बहुत धन्यवाद उनको देंगे, पर वो ऐसा बनावे कि लगे कि जो हाँ जो माता जी का विश्व का धरोहर है, और ये मानचित्र पर जाए कि जहाँ जानकी जन्मस्थली पुण्यरण पुनौरा धाम में है, इसका जो विकास बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, पर कागजे में लिपित नहीं करें।